हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। रियलमी की तरफ से आपको एक और नई सीरीज इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली है। रियलमी अपनी पी सीरीज को इंडिया में लॉन्च करने जा रही है। आज हम यहाँ पर इसी सीरीज के एक स्मार्टफोन रियलमी पी वन के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। स्मार्टफोन के सारे ऑफिशियल स्पेक्स सामने आ चुके हैं, जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्मार्टफोन के एक्सपेक्टेड इंडियन प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी एवं डिजाइन से करते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक देखने को मिलती है। डिवाइस में आपको साइड फ्रेम प्लास्टिक का ही दिया गया है। डिवाइस में आपको 6.7 इंच का FHD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले टाइप की बात की जाए तो यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। वहीं आपको डिवाइस में 200 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जिससे आपको आउटडोर विजिबिलिटी में भी कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप स्मार्टफोन के प्राइस को देखोगे तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी काफी एक्सेलेंट देखने को मिलती है। क्या कहना चाह रहे हैं भाई आप? स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं आपको वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल सकता है। डिवाइस के साथ आपका कैमरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहने वाला है, यहाँ पर आपको एवरेज कैमरा ही देखने को मिलता है। अगर आप स्मार्टफोन के प्राइस को देखोगे तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी एकदम कमाल की देखने को मिल जाती है। डिवाइस में आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7050 वाला चिपसेट दिया गया है। डिवाइस में आपको डुअल 5G नेटवर्क का सपोर्ट दिया गया है। डिवाइस में आपको पावर एफिशिएंसी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। वहीं आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 14 का अपडेट आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है। रियलमी ने डिवाइस को पावर देने के लिए 5000 mAh की बड़ी बैटरी का यूज किया है। साथ में आपको 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, जो कि इस प्राइस में काफी अच्छी बात है। राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, काफी अच्छी बात है। डिवाइस के सिक्योरिटी फीचर की बात की जाए तो डिवाइस में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन दिया गया है। डिवाइस में आपको डुअल स्पीकर का ऑप्शन दिया गया है। साथ में आपको IP65 की रेटिंग दी गई है। स्मार्टफोन में आपको 3D कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। फाइनली गाइस, जब हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन के प्राइस वेरिएंट के बारे में, तो रियलमी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट आपको अंडर 15 के देखने को मिलेगा। हमें कमेंट्स करके बताइए कि क्या वाकई में आप इस सीरीज को लेकर एक्साइटेड है या फिर नहीं। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक और सजेशन देना ना भूलें। अपने इस भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर लें, जिससे आपको ऐसी ही क्वालिटी टेक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्ट, कीप लव।